हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, समर आ चुका है और अब भी मैं समर की ही प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ, जो बेबी सनरोज़ के नाम से जाना जाता है। आप नर्सरी में जाएंगे और बेबी सनरोज़ का प्लांट दे तो आपको ये मिलेगा। एक्चुअली ये आइस प्लांट का ही एक वैरायटी है और जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग्स करता है ये प्लांट, और बहुत ही अच्छा एक क्रीपर प्लांट है जो आप बहुत अच्छा हैंगिंग इसे कर सकते हैं या फिर आप इसे मल्चिंग के लिए भी गमले में लगा सकते हैं। और ये पेरिनियल प्लांट है दोस्तों, तो जब इसमें फ्लावरिंग जो होती है ये समर में स्टार्ट होती है, और जब समर में इसकी फ्लावरिंग जब मान लीजिए विंटर आती है, जब इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है तो लेकिन पत्तियों की खूबसूरती आपकी बनी रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि ये पौधे मर जाते हैं, ये सालों साल चलने वाले पौधे हैं। तो दोस्तों, इसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे कीजिएगा? एक्चुअली ये सकुलेंट प्लांट है, तो सकुलेंट प्लांट में तो पानी बहुत कम लगता है। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं, और इसे बेबी सनरोज इसीलिए कहा जाता है कि जब सन निकल मतलब जैसे ही उनका उदय होता है, सूरज देवता जब उगते हैं तो उसके साथ साथ ये भी उगना खिलना शुरू हो जाते हैं। इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं ये खिलनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही सनसेट होता है तो ये धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो सनराइज़ और सनसेट के साथ इसका खिलना और बंद होना लगा रहता है, इसीलिए इसे बेबी सनरोज कहते हैं, यानी सन से जुड़ा हुआ इसका नेम है। अब ये देखिए जैसे अब धीरे धीरे सूरज की रोशनी तेज हो रही है और ये धीरे धीरे खिल रही है, कली है, और कली धीरे धीरे अब खिल रही है, ये कल जाके और भी बड़ी खिलेगी। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी एक कली है, और ये देखिए यहाँ पर भी है। इसकी प्रोपोगेशन भी काफ़ी इजी है, यहाँ एक खिली हुई थी तो इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत ईजी है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, सकुलेंट प्लांट है, दैट मीन्स इसमें पानी बहुत कम लगेगा। तो इसकी मिट्टी जो आप तैयार करेंगे, सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं इसकी मिट्टी जो मैंने इसके लिए सबसे पहले पॉट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो किस टाइप का पॉट है। ये देखिए चारों तरफ से इसमें जाली बना हुआ है, ये देखिए इस वाले में भी देख लीजिए, इसमें भी देखिए, और यहाँ पर भी मैंने एक रखा है, इसका भी देखिए, ये चारों तरफ से इसमें जाली बने हुए हैं। कारण बस यही है दोस्तों कि इसमें पानी ठहरे नहीं बस। और इसके लिए बेस्ट होगा दोस्तों कि गार्डन सॉयल आप बहुत कम मात्रा में ले, लगभग 25% काउडंग ले, और बाकी 50% इसमें आपको लेना है कोकोपीट। कोकोपीट एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें पानी थोड़ी बहुत वो अपने आप में मॉइस्ट रखती है उसको, मिट्टी को, लेकिन वो क्या करेगी, पानी जो है ना उसमें ठहरने नहीं देगी, वो निकल जाती है। और चूंकि ये चारों तरफ से इसमें ऐसे बने हुए हैं, तो अगर मान लीजिए कभी मेरे घर में होता है क्या कि जब मैं पानी देती हूँ तो बहुत सोच समझ के, लेकिन सभी को पता नहीं है कि किस में कितना पानी देना है, तो कभी अगर ज़्यादा पानी भी कोई डाल दे तो ताकि पानी जो है ना वो छन के बिल्कुल निकल जाए, तो मैंने इस तरह के पॉट चॉइस किए हैं। ये देखिए इसमें अगर आप डेली पानी भी दे देते हैं तो आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो है एकदम बहुत इजीली छन के निकल जाएगी। तो इस तरीके का बनाने के लिए सबसे पहले जो कोकोपीट आप लेते हैं, कोकोपीट नहीं, कोको के जो फाइबर होते हैं ना, कोकोनट के फाइबर, उससे चारों तरफ से आपको पहले एक बॉर्डर टाइप का बना लेना है, नीचे भी दे देनी है वो बॉर्डर। उस तरीके से आप उस फाइबर को बिछा लीजिए, और बाकी जो मैंने मिक्सचर कहा, जो 20% मैंने गार्डन सॉयल कहा, 20% काउडंग और 50% का कोकोपीट लेकर उसकी मिक्सचर आपको बीच में लगानी है और फिर इस पौधे को लगाना है। तो ये दोस्तों, इसे लगाने के बाद आपको करना क्या है कि कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देना है जब तक इसके जड़ें नहीं निकले। तो सबसे पहले प्रोपोगेशन पहले मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी, आप कोई भी कटिंग लीजिए, कहीं से भी इसे कट कीजिए और लगा दीजिए तो इसमें ये लग जाती है। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसे इस तरीके से मैंने जड़ निकाल के ही लगाना है, तो इस तरह का अगर आपके पास पौधा है या फिर कहीं आप देखिएगा कि ये पौधा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टहनी अगर ये नीचे की तरफ दब जाए
तो इसमें से क्या होगा, खुद ब खुद रूट निकल के आ जाती है, उस जगह से आप कटिंग करके आप लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें रूट के साथ ही लेनी है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसे ऐसे पकड़िए और ऊपर से थोड़ी सी जो आपने मिट्टी इसके अंदर है उसे थोड़ी सी निकालिए और उससे इस तरीके से इसे दबाते जाइए। तो क्या होगा, फिर जब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, लगभग एक मंथ के बाद, 1 मंथ बाद आप इसमें जो इस तरीके से दबा दीजिए, हालांकि चूंकि ये इसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है तो ये निकल जा रही है, आप इसमें से थोड़ी सी मिट्टी भी डाल के इसे दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, जब आप देखिएगा 1 मंथ के बाद यहाँ से जो है जड़ें निकल आई है और उसके बाद आप उसे किसी भी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रोपोगेशन की जा सकती है। और रही जो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे आप 10 दिन के अंतराल में जैसे देते हैं दे, अगर नहीं भी दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 1 महीने के अंतर भी दे रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा आपके। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आप इसे लगाइए। अच्छा, और बीच बीच पर जैसे नीम ऑयल दूसरे पौधों को छिड़काव करते, नीम ऑयल की, तो उस नीम ऑयल की भी छिड़काव करते रहिए इसमें। तो इससे क्या होगा कि इसमें किसी तरह के फंगस इन्फेक्शन नहीं लगते, वैसे मैंने कभी इसमें फंगस इन्फेक्शन नहीं देखा है। अच्छा, कभी कभी दोस्तों पत्तियां जो है इस तरीके से पीली पड़ जाती है, ये देखिए यहाँ मेरी एक ही पत्तियाँ, एक्चुअली ये पत्तियाँ पीली मैंने दिखा रही है, लेकिन ये पत्तियाँ जो है ये झड़ने वाली पत्ती है तो इसीलिए पीली पड़ रही है। लेकिन इस तरह की पीली जब अगर पड़ जाए कभी, तो उसमें आप जैसे इसमें देख रहे हैं पूरी ग्रीन दिख रही है ऊपर की पत्तियाँ, लेकिन जैसे ही देखिए ये जैसे पीली, ये झड़ने वाली पत्ती है, लास्ट के तरफ का है देखिए, तो इस तरह कभी पीली हो जाती है, हल्की आपकी पीली थोड़ी सी आ जाएगी पत्ती, तो उस वक्त ये बस नीचे वाली को नहीं देखना, आपके सारे पौधे के पत्ती अगर आप देख रहे हैं पीली पड़ रही है, तो उसकी 3 वजह हो सकती है। एक, या तो आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है उसमें, या फिर सेकेंड नंबर हो सकता है कि उसमें आपने पानी बहुत कम दिया है, और थर्ड है कि आप की जो पौधे हैं उसमें कोई फंगस इन्फेक्शन लग रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको करना है कि सबसे पहले तो उसकी होल चेक कीजिए, अगर इस तरह का लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मान लीजिए आपने ऐसे रखे जिसके नीचे 2 होल है, चाहे 1 होल है, 5 होल है, तो आप पहले होल देखिए, होल चेक कीजिए, कहीं होल में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई है, कहीं वो ऐसा तो नहीं हो गया है कि वो नीचे से बंद हो गई है और पानी जम रहे हैं। सबसे पहले उसे चेक कीजिए, या फिर ऊपर से मिट्टी चेक कीजिए कि हो सकता है आपने उसमें पानी कम दिया है, तो फिर उससे क्या होगा कि उसमें भी पत्तियां पीली हो सकती है। और अगर फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी पत्तियां पीली रही है, तो नीम ऑयल का स्प्रे लगातार दीजिए, 3-4 दिन तक देते रहिए लगातार, 1 दिन भी गैप नहीं होनी चाहिए। तो और अगर थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में नीम ऑयल दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तो उसे देने से क्या होगा, आप देखिएगा कि आपकी ये पत्तियाँ जो है वो फिर से ऐसे ही हरी भरी हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है दोस्तों मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा हाँ, इसमें बीज भी बनते हैं, तो बीज तो दोस्तों बीज से ज़्यादा अच्छा है, इस तरह के जब फूल ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से बीज बनते हैं, तो बीज से ज़्यादा अच्छा है प्रोपोगेट करने के लिए कि सबसे अच्छा है कि आप इसकी किसी भी स्टीम को तोड़िए और उसे मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। इसे सन में रखिए, फुल सन में, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि तभी फ्लावरिंग बहुत अच्छे होंगे। और ये गर्मी का पौधा है दोस्तों, तो आप इजीली इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा पौधा है दोस्तों। देखिए इसमें कितने बहुत सारे फूल आए हुए हैं, ये यहाँ पर आए हुए हैं, ये नीचे खिल रहे हैं, कलियाँ भी आई हुई है, खिलेंगी इसमें, ये देख रहे हैं आप कलियाँ है, ये देखिए ये जो कलियाँ है ना बीच में, देखिए रेड लग रही है, रेड यहाँ से फूल खिलेंगे, ये वाली, ये दे रहे हैं, 2 साइड से निकले हुए नुकीले और बीच में जो रेड दिख रहा है यही इसकी कली है, और इसके बाद ये यहाँ से फिर खिलेगी। तो बहुत अच्छा इसे हैंगिंग का बना सकते हैं आप, अगर चाहे तो ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने इसे हैंगिंग के लिए बनाया है, आप देख के समझ भी गए होंगे, कहीं से भी मैंने थोड़ी सी हैंग करने वाली रस्सी हो चाहे तार से मैंने इसे हैंग कर देने से बहुत अच्छे लगेगी ये।
तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलेंगे दोस्तों, और ये पौधा ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा पौधा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।